हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ मोबाइल से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग आसानी से सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि मोबाइल के डायल पैड में हम लोग जो उसका साउंड आता है उसको लगाएं कैसे, हटाएं कैसे, और उसका हम लोग पियानो साउंड टोन कैसे लगाएं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या, जो आप देख सकते हैं जो थ्री लाइंस है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर क्या, एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, आपको मिलेगा क्या, एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, डायल पैड टच टोन्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, डायल पैड टोन्स। तो अभी डायल पैड टोन्स जो था यहाँ पर ऑफ है, तो वहाँ पर जो डायल पैड हम लोग डायल पैड पर करते तो कोई भी साउंड नहीं आता। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे, ठीक है, उसके बाद से जो डिफ़ॉल्ट टोन है वो यहाँ पर लगा हुआ है पहले से। हम आपको दिखा देते हैं, अभी आवाज़ आएगा कोई भी नंबर, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या साउंड आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से जाते हैं सेटिंग्स, फिर एडवांस सेटिंग में जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, डायल पैड टच टोन्स। यहाँ से क्या आप उस टोन को ऑफ भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पियानो टोन कैसे लगाएं। तो यहाँ पर हम जहाँ पे लिखा है टोन्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो टोन्स मिल जाता है, एक डिफ़ॉल्ट में जो आता है, और उसके बाद से यहाँ पर क्या लिखा है, पियानो कीज़। तो पियानो कीज़ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आइए यहाँ पर देखते हैं डायल पैड में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पियानो वाला डायल पैड लग चुका है, पियानो जैसे आवाज़ आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर जाके आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद से डायल पैड टच टोन में जाना होगा। यहाँ से आप डायल पैड टोन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो लगा रहता है टोन वेल तो लगा ही रहता है, लेकिन आप यहाँ से पियानो कीज़ भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये पता चल पाए पियानो कीज़ क्या होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को और हमारे चैनल को पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं और आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स तुरंत सीख पाएं।